हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। अभी तक हम लोग में इस एक्ट में हम लोगों ने चैप्टर वन और चैप्टर टू कंप्लीट कर लिया है। अडॉप्शन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थ्री ऑफ दिस एक्ट विच डील्स विद मेंटेनेंस। तो ये जो चैप्टर थ्री है, पूरे मेंटेनेंस किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सब की बात करता है। और इसके सेक्शंस है सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 28। तो मेंटेनेंस जो दिया हुआ है हिंदू लॉ में, इस एक्ट में दिया हुआ है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मेंटेनेंस की बात की गई, कितना दिया जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो मेन हेडिंग्स। पहला तो हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, कि इस एक्ट के अनुसार क्या होता है मेंटेनेंस का मतलब, और क्या डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3B में। और उसके बाद हम लोग जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे है सेक्शन 18 टू सेक्शन 22। 18 से लेके 22 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो 23 से 28 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चैप्टर 3। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो सेक्शन 3B में डिफाइन किया गया है टर्म मेंटेनेंस को, और कहा गया है मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। तो मेंटेनेंस में क्या क्या आ जाता है? मेंटेनेंस मीन प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, एजुकेशन, क्लोदिंग एंड मेडिकल एक्सपेंसेस टू अ पर्सन। तो किसी पर्सन को फूड, क्लोदिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करवाने को मेंटेनेंस कहा गया है, माना गया है अंडर 3B। मेंटेनेंस मतलब अगर जनरली हम लोग देखें तो इट इज प्रोवाइडिंग समथिंग, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ पर्सन। तो हस्बैंड को कहा गया है या फिर फादर इन लॉ को कहा गया है कि वो मेंटेनेंस इस एक्ट में प्रोवाइड करेंगे चैप्टर 3 में। एंड इट कवर्स ऑल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवित रहने के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज चाहिए है लाइफ के लिए, वो सब प्रोवाइड करने को मेंटेनेंस कहा गया है। आगे कहा गया है कि मेंटेनेंस ऑफ अनमैरिड डॉटर, अगर घर में अनमैरिड डॉटर है तो उसके मेंटेनेंस की अलग से बात करी गई है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए उसको क्या क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? ऑल रीजनेबल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर हर डे टू डे लाइफ, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितने भी रीजनेबल एक्सपेंसेस रहेंगे वो प्रोवाइड करवाना, मेंटेनेंस करना जरूरी होगा अनमैरिड डॉटर के लिए। कब तक प्रोवाइड करेंगे? टिल शी गेट्स मैरिड। तो अगर घर में कोई अनमैरिड डॉटर है तो उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी होगी घर के मेल मेंबर की, एंटिल शी गेट्स मैरिड। सबसे पहले जो मेंटेनेंस की बात करी गई है सेक्शन 18 में, वो कहा गया है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी यहाँ पर डाली गई है कि उनको वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन है हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ में, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 18 को कवर किया था इस एक्ट से, और सेक्शन 24-25 कवर करा गया था हिंदू लॉ से। तो इस प्रोविजन को हम लोग डिटेल में उस वीडियो में पढ़ सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया सेक्शन 18, इससे हम लोग जंप करके नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं 19, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस प्रोविजन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 में बात करी गई है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ की। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि जब तक हस्बैंड जिंदा रहता है तो वो उसकी ड्यूटी रहती है कि अपनी वाइफ को मेंटेन करे। डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी आ जाती है मेंटेनेंस देने की वाइफ को। तो जब तक हस्बैंड जिंदा है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, शादी चल रही है तब भी, और डिवोर्स के बाद भी उनको देना पड़ जाता है मेंटेनेंस। बट अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, इफ़ हस्बैंड डाइस, देन ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन किस पे आ जाती है? तो मेंटेन करने की जो ऑब्लिगेशन है हस्बैंड के मरने के बाद आ जाती है फादर इन लॉ यानी कि लड़की के ससुर पर, मींस हस्बैंड के फादर पर आ जाती है। तो जो डॉटर है, जो विडो हो गई है, उसके ससुर या फिर फादर इन लॉ पर ड्यूटी आ जाती है उसको मेंटेन करने की। अब कब ड्यूटी आ जाती है? कुछ ऐसी कंडीशन है तभी द फादर इन लॉ विल बी लाइबल टू मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ। तो ये क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और कब फादर इन लॉ वोंट बी लाइबल, तो ये हम लोग सेक्शन 19 में देख रहे हैं। तो सेक्शन 19 में कहा गया है कि विडो जो डॉटर इन लॉ है, जो बहू है, वो विधवा हो गई है, विडो हो गई है, तो उसको कौन मेंटेन करेगा? उसको मेंटेन करेंगे उसके फादर इन लॉ यानी कि ससुर। किन कंडीशन में मेंटेन करेंगे? तो क्लॉज 1 में लिखा है कि फॉलोइंग अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फादर इन लॉ विल बी लाइबल टू मेंटेन हर। पहली कंडीशन ये है कि विडो जो है उनके पास ना खुद की प्रॉपर्टी है, ना कोई उनके पास साधन है, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो विडो जो है कमा नहीं रही, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम।
या फिर उनके पास कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो मेंटेन कर सके, या फिर उनके पास प्रॉपर्टी तो है बट वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो अपना पालन पोषण कर पाए। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि ना विडो कुछ कमा रही है, ना शी हैज़ सोर्स ऑफ इनकम, ना उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी है भी तो वो इतनी कम है जिससे वो खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रही, या फिर ये सिचुएशन हो गई। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि कब फादर इन लॉ विल बी लाइबल टू मेंटेन डॉटर इन लॉ, दूसरी कंडीशन है कि शी इज़ अनेबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड या पेरेंट्स या चिल्ड्रन, तब फादर इन लॉ मेंटेन करेंगे। तो फादर इन लॉ कब मेंटेन करेंगे, जब विडो जो डॉटर इन लॉ है ना उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना खुद की प्रॉपर्टी है, ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड छोड़ गया था उसके पास, ना अपनी कोई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है जिससे मेंटेनेंस ले पाए, और ना उसके बच्चे ऐसे हैं जो उसके बच्चे हैं सन या डॉटर वो उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, मतलब कहीं से भी उसको किसी भी जगह से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में फादर इन लॉ जो है उनके ऊपर ड्यूटी लाई करती है दैट ही विल मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ। तो ये पहला क्लॉज हो गया कि कंडीशन का फादर इन लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 19 हम लोग देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, उसमें क्लॉज 1 में हम लोग देखा कि फादर इन लॉ के ऊपर कब ड्यूटी या ऑब्लिगेशन आती है कि वो अपने जो बहू है उसको मेंटेन करें। तो सबसे पहले हम लोग देखा कि जो हस्बैंड है वो अपने जब तक जीवित रहेंगे वाइफ को मेंटेन करेंगे, जब डेथ हो जाती है तो फादर इन लॉ के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। कब, जब जो बहू है उनके पास खुद की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, या फिर उनके कोई हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं बची है जिससे वो मेंटेनेंस ले सके, या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, या उनके चिल्ड्रन भी जो है उनके बच्चे भी उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तब एकदम आखिरी में अगर किसी भी तरह से उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो फादर इन लॉ के ऊपर ड्यूटी आ जाती है डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने की। क्लॉज 2 अब हम लोग देख रहे हैं, क्लॉज 2 में कहा गया है कि कब फादर इन लॉ के ऊपर ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी या कब उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। तो क्लॉज 1 में हमने देखा कि कंडीशन जिसमें फादर इन लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा डॉटर इन लॉ को, क्लॉज 2 में कहा गया कि व्हेन हिज ऑब्लिगेशन विल एंड, कब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी अपनी बहू को मेंटेन करने की, दो कंडीशंस दी हुई। पहला है कि व्हेन ही हैज नो मींस टू मेंटेन हर फ्रॉम हिज को पार्सनरी प्रॉपर्टी इन विच डॉटर इन लॉ हैज नो शेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फादर इन लॉ के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, को पार्सनरी प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन कर सकते थे, पर अगर डॉटर इन लॉ के पास उसमें एक शेयर होता, तो जैसे ये फादर हैं, इनके फादर इन लॉ हैं और इनका एक लड़का है एस, दूसरा है S1, ये एस की वाइफ है W, फादर इन लॉ के पास प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल। अब ये एस जो है मर जाता है, अब ये हो गई विडो, अब ये इनकी डॉटर इन लॉ विडो हो जाती हैं, फादर इन लॉ के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें एस का शेयर था, तो उस शेयर से ये जो प्रॉपर्टी है ये फादर इन लॉ के पोजेशन में है, इस शेयर से फादर इन लॉ चाहे तो लड़की को, डॉटर इन लॉ को उससे मेंटेन उनके ऊपर करने की ऑब्लिगेशन होगी, क्योंकि एस का यहाँ पर जो है उसमें शेयर था, और एस के मर जाने के बाद अब विडो जो हो गई उनका भी शेयर रहता है, प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के पोजेशन में जब तक रहेगी तो वो मेंटेन विडो एंड डॉटर इन लॉ को उसमें से करते रहेंगे। बट अगर एस का कोई शेयर ही नहीं है, या फिर यहाँ शेयर तो था बट ये जो इनका शेयर था वो विडो को पहले से मिल गया है, दे दिया गया है, तब फादर इन लॉ को उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से समझते हैं, ये फादर इन लॉ है, उनके दो लड़के हैं, उसमें से एक लड़के की डेथ हो जाती है, उस लड़के की वाइफ जो है वो विडो हो जाती है। अब अगर फादर इन लॉ के पोजेशन में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई को पार्सनरी प्रॉपर्टी है जिसमें डॉटर इन लॉ का शेयर है, तो उससे वो मेंटेन करते रहेंगे अपनी डॉटर इन लॉ को। बट अगर उनकी ऑब्लिगेशन कब खत्म हो जाएगी, उनकी ऑब्लिगेशन तब खत्म हो जाएगी जब डॉटर इन लॉ का या फिर उसमें कोई शेयर ही नहीं है, या फिर शेयर जो था वो पहले ही डिवाइड करके बांट लिया गया है और शेयर अब डॉटर इन लॉ के हाथ में आ गया है, अब उससे वो अपने आप को खुद मेंटेन कर सकती है। तो अगर उसमें शेयर नहीं है डॉटर का इनकी प्रॉपर्टी में, तब फादर इन लॉ को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास शेयर ही नहीं है डॉटर इन लॉ के पास। और अगर शेयर था पहले ही, उसको डिवाइड करके इनको दे दिया गया था कि तुम रख लो, वो शेयर अब इनके हाथ में है, तब भी फादर इन लॉ को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को उसी शेयर से मेंटेन करती रहेंगी। तो ये हो गया पहला प्रोविज़न जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें यही कहा गया है कि फादर इन लॉ की ड्यूटी, ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएगी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने की अगर उनके पास जो एंसेस्ट्रल या को पार्सनरी प्रॉपर्टी है उसमें डॉटर इन लॉ का कोई शेयर नहीं है।
दूसरा जो कंडीशन है जब फादर इन लॉ को अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, बहू को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, वो है कि इफ़ द डॉटर इन लॉ गेट्स रीमैरिड, अगर इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है तो इनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी मेंटेन करने की वो उसी दिन से खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है। तो हम लोग देखा सेक्शन 19 की, व्हेन फादर इन लॉ विल बी लायबल टू मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ एंड सिचुएशंस व्हेन ही विल नॉट बी लायबल। इन गुरदीप कौर वर्सेस घमंड सिंह, फुल बेंच जजमेंट बाय मेजॉरिटी हेल्ड दैट द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी विद इन सेक्शन 19 मीन्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जॉइंट एक्विजिशन एंड एक्रीशंस। Master Daljeet Singh versus S. Dara Singh. The court said that where father-in-law did not inherit any ancestral property, he was not liable to pay any maintenance to his widowed daughter-in-law. तो इस केस में कहा गया था कि जब फादर इन लॉ को कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं की है, उनको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो ही इज़ नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ। इन द केस ऑफ जनक वर्सेज नंदराम, The court said that Hindu law recognized it to be a moral obligation of the father-in-law to maintain a daughter-in-law who has no other means of maintenance. On the death of the father-in-law, the moral obligation becomes a legal obligation against the person who inherit the property of father-in-law. तो इस केस में कहा गया था कि हिंदू लॉ ने ड्यूटी कास्ट की है, एक मॉरल ड्यूटी डाली है फादर इन लॉ पर मेंटेन करने की अपनी बहू यानी कि डॉटर इन लॉ को, और जब वो फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो वो ड्यूटी या लीगल ड्यूटी ऑब्लिगेशन उनके जो एयर्स है फादर इन लॉ को या फिर जिनको फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी अब मिली है, जिन्होंने इनहेरिट करी है, उन पर ये ड्यूटी अब आ जाती है। तो हम लोग सेक्शन 20 देख रहे हैं। सेक्शन 20 में बात करी गई है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नीड क्यों अराइज होती है टू मेंटेन चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। तो चिल्ड्रन होते हैं जो माइनर होते हैं 18 साल से नीचे, या फिर जो एज्ड पेरेंट्स हैं जो ओल्ड हो गए हैं, दे आर वीकेंड फिजिकली मेंटली और वो सिकनेस उनके में है, इनफर्म है, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेंटेन देमसेल्व्स। जो बच्चा है माइनर है छोटा है तो उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करा जाएगा कि वो जाकर पैसा कमाएगा और अपने आप को मेंटेन या सपोर्ट कर पाएगा। इसी वजह से एक हिंदू के ऊपर ड्यूटी कास्ट करी गई है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज़ और है कि अपने अनमैरिड डॉटर्स जो है उनको भी मेंटेन करने की ड्यूटी यहाँ पर कास्ट की गई है। तो हम लोग अलग अलग से समझते हैं चाइल्ड और एज पेरेंट्स के बारे में। एक हिंदू कोई है, ही इज़ मेड ड्यूटी बाउंड और शी इज़ मेड ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन हिज और हर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन किस प्रकार के, चिल्ड्रन चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, दोनों को मेंटेन करने की ड्यूटी यहाँ पर कास्ट की गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो मेरा इलेजिटिमेट बच्चा है, नाजायज़ बच्चा है, मैं इनको मेंटेन नहीं करूँगा या करूँगी। आपको दोनों को मेंटेन करना है, चाहे इलेजिटिमेट हो चाहे लेजिटिमेट हो। दूसरी चीज़, कब तक मेंटेन किया जाएगा, तो चिल्ड्रन को तब तक मेंटेन किया जाएगा टिल दे अटेन मेजॉरिटी। तो 18 साल से नीचे तक के बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते उनको मेंटेन करने की ड्यूटियाँ कास्ट की गई है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर कि अनमैरिड डॉटर यहाँ इंक्लूड करी गई है, ऐसी डॉटर जो अनमैरिड है 18 साल से नीचे है अगर वो, तब तो मेंटेन करना पड़ेगा, बट 18 साल के ऊपर हो गया वो 19 हो गई और अनमैरिड डॉटर है तब भी उसको मेंटेन करने की ड्यूटी यहाँ पर पेरेंट्स पे कास्ट की गई है। अब उसको कब तक मेंटेन करेंगे, तो अनमैरिड डॉटर को तब तक मेंटेन करेंगे जब तक वो शादी नहीं कर लेती है। क्यों मेंटेन करेंगे अनमैरिड डॉटर को, अनमैरिड डॉटर को तभी मेंटेन किया जाएगा जब वो अपने खुद के पैसे से, अपने खुद के इनकम से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। जिसका मतलब है कि अनमैरिड डॉटर जो हैं 18 साल के ऊपर हो चुकी हैं, 18 साल से नीचे तो उनको करना ही पड़ेगा, बट 18 साल से ऊपर हो चुकी है, वो अनमैरिड है, कोई उनके पास इनकम का साधन नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं करती हैं, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो मेंटेन कर पाए, कुछ भी उनके पास नहीं है कि अपना मेंटेन, अपना पालन पोषण कर पाए, तो यहाँ पर उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा टिल शी गेट्स मैरिड। अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, अगर उनके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो खुद कर पा रही हैं, तो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो नहीं कर पा रही है अपने मेंटेन किसी भी तरह से, तो उनको जब तक वो शादी नहीं कर लेती है मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है एज्ड पेरेंट्स। एज्ड पेरेंट्स को मेंटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एज्ड हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं फिजिकली मेंटली, अब उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो जाके पैसा कमाएं। तो अगर एज्ड पेरेंट्स के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
एज पेरेंट के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो लोग अपने आप को मेंटेन कर पाए, तो किसी भी तरह से अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो एक हिंदू पे ड्यूटी डाली गई है कि आप अपने एज पेरेंट्स को मेंटेन करिए। एज पेरेंट्स की डेफिनेशन में यहाँ पर चाइल्डलेस स्टेप मदर भी आ जाती है, मतलब सौतेली माँ अगर वो चाइल्डलेस है मतलब उनके कोई भी बच्चा नहीं है तो एक हिंदू पे कहा गया है कि आप अपनी स्टेप मदर को भी उसी तरह मेंटेन करेंगे जैसे कि अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो मेरी स्टेप मदर है, मैं नहीं, मेरे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है इनको मेंटेन करने की क्योंकि ये मेरी रियल मदर नहीं है, ऐसा नहीं होता। स्टेप मदर को भी करना पड़ेगा प्रोवाइडेड शी इज़ चाइल्डलेस, अगर उनके चाइल्ड चिल्ड्रेन है तो वो अपने मदर को करेंगे बट अगर उनके चिल्ड्रेन नहीं है तो शी इज़ इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ एज पेरेंट्स। तो ये हो गया एज पेरेंट्स की डेफिनेशन और चिल्ड्रन की डेफिनेशन कि कब तक इन लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। सामूबाई वर्सेस शाहजी मगनलाल, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑब्जर्व दैट द मेंटेनेंस टू एजड एंड इनफर्म पेरेंट्स मस्ट ओनली बी प्रोवाइडेड इफ द पेरेंट्स हैव नो मीन्स टू सस्टेन देमसेल्व्स और अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स आउट ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टी और अर्निंग्स। So we can infer that if the old parents have enough means to maintain themselves, the obligation of children to maintain them can be relaxed. तो इस केस में कहा गया है कि if parents can maintain themselves, तो जो ड्यूटी होती है चिल्ड्रन पर उनको मेंटेन करने की वो रिलैक्स की जा सकती है, वो ख़त्म की जा सकती है। अब हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 21 और 22 में बात करी गई है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स की। 21 में कहा गया कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं उनको डिफाइन किया गया है और 22 में उसकी दिया गया है कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से डिपेंडेंट्स का मेंटेनेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, हु आर डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स ऐसे पर्सन हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पेरेंट्स पे या अपने ब्रदर्स पे या किसी रिलेटिव्स पे डिपेंड रहते हैं, उन पे निर्भर रहते हैं कि वो अपनी उनको मेंटेन करें। तो ऐसा पर्सन जो किसी और पे निर्भर है अपनी लिविंग के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। जैसे पेरेंट्स हो गए तो उनके डिपेंडेंट कौन होंगे, उनके बच्चे, वो उन पे डिपेंडेंट है, अपने निर्भर हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए कि वो अपने जी सके, अपना पालन पोषण कर सके। तो ये डिपेंडेंट होता है जनरल मीनिंग। अब अगर हम लोग को हिंदू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि कौन कौन व्यक्ति डिपेंडेंट में आएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 में डिफाइन किए गए हैं कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन्स हु विल कम अंडर द डेफिनेशन और द टर्म डिपेंडेंट। तो किसको किसको डिपेंडेंट माना जाएगा, कौन कौन को इंक्लूड किया गया है, वो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि सेक्शन 22 में दिया गया है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, तो किस लिमिट तक डिपेंडेंस को मेंटेन करा जाएगा, कौन मेंटेन करेगा, कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये सेक्शन 22 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 21 की डिपेंडेंट्स कौन होते हैं एक डिसीज्ड हिंदू के, मींस एक हिंदू है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके कौन कौन डिपेंडेंट्स होंगे, कौन उस पर डिपेंड करते हैं, कौन उस पर निर्भर है, कौन उस पर रिलाय करते हैं अपनी लिविंग के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए कि वो जीवित रह सके। तो देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट सेज दैट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्ट डिपेंडेंट्स रिफर टू फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, फादर, मदर, विडो हु हैज नॉट रीमैरिड, माइनर सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन with pre-deceased father and grandfather provided they are not able to maintain themselves, unmarried daughter, great-granddaughter, granddaughter with pre-deceased father and grandfather provided she has not been able to obtain maintenance from any other source, a widowed daughter who has not been able to obtain maintenance from the estate of her husband, children or from her in-laws, widowed daughter-in-law or widowed granddaughter-in-law who has not been able to obtain maintenance from any other source, and last is an illegitimate minor son or legitimate unmarried daughter. तो हम लोगों ने देख लिया है कि dependents कौन होते हैं एक हिंदू के section 21 में, कि कौन कौन dependents माने जाएंगे। अब हम लोग section 22 में देख रहे हैं कि उनका किस तरह से maintenance होगा, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाएगा, ये सेक्शन 22 में लिखा हुआ। तो सेक्शन 22 में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि जो डिसीज्ड हिंदू है, मींस कोई एक ऐसे हिंदू है जो डिसीज्ड हो गया है, मींस ही और शी हैज़ डाइड, अब उसके जो डिपेंडेंट्स बचते हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, उनको कौन मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले कहा गया है कि ऐसे डिसीज्ड के डिपेंडेंट्स को
डिसीज्ड के एयर्स मेंटेन करेंगे, उनके एयर्स जो होंगे जिनके पास डिसीज्ड की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी जिनके पास गई है, मींस एक पर्सन मर गया है उसकी डेथ के पास बाद उसकी जो प्रॉपर्टी एयर्स पे गई है, जिन लोगों पे डिवॉल्व करी है प्रॉपर्टी, उसके एयर्स कहलाएंगे और उसके एयर्स ही उन डिपेंडेंट्स को मेंटेन करेंगे। तो सच डिपेंडेंट्स आर मेंटेन्ड बाय द डिसीज्ड एयर्स, तो उसके जो एयर्स होंगे उन पे लायबिलिटी है कि वो मेंटेन करेंगे उसके डिपेंडेंट्स को। और किस प्रॉपर्टी से मेंटेन करेंगे? डिसीज्ड की डेथ के बाद जो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी एयर्स पे गई है उसी प्रॉपर्टी से, उसी एस्टेट से वो लोग उसके डिपेंडेंट्स को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले कौन मेंटेन करेगा? डिसीज्ड के एयर्स मेंटेन करेंगे। एयर्स कैसे मेंटेन करेंगे? अपने पास से पैसा तो देंगे नहीं वो मेंटेन करने का, वो उसी प्रॉपर्टी से जो डिसीज्ड पर्सन मर गया है उसकी प्रॉपर्टी जो उनको मिली है उसी प्रॉपर्टी से वो उसके डिपेंडेंट्स को भी मेंटेन करेंगे। तो ये हम लोग देखा कि कौन मेंटेन करेगा और किस चीज़ से मेंटेन करेगा, किस प्रॉपर्टी से वो मेंटेन करेगा। दूसरी चीज़, where dependents get no share by will or by succession, they will be maintained by person who takes over the estate. तो सिंपल है कि अगर कोई डिसीज्ड है, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, उसके डिपेंडेंट्स को अगर कोई शेयर नहीं मिला उसकी प्रॉपर्टी में, या सक्सेशन से कोई शेयर नहीं मिला, या उसने कोई विल नहीं बनाई जिससे उनको शेयर नहीं मिला, तो डिपेंडेंट्स को किसी भी तरह से शेयर नहीं मिला डिसीज्ड का, डिसीज्ड की प्रॉपर्टी में, ना विल से मिला ना सक्सेशन से मिला, तो उनको कौन मेंटेन करेगा? उनको ऐसे पर्सन मेंटेन करेंगे हु टेक्स ओवर द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। तो डिसीज्ड, सिंपल वही बात फिर से कहेगी कि जो डिसीज्ड है उसके जो एयर्स होंगे, जो उसके जिनके पास उसकी प्रॉपर्टी गई है, अब वो लोग डिपेंडेंट्स को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है, मल्टीपल पर्सन टेक ओवर द प्रॉपर्टी, ईच पर्सन इज लायबल टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स। अगर ऐसा है कि जो डिसीज्ड पर्सन मर गया है उसकी जो प्रॉपर्टी तीन चार लोगों पे गई, आधी इनको मिली आधी उनको मिली, कुछ इनको मिला कुछ उनको, तो जितने भी लोगों को मिली सब लोग के ऊपर लायबिलिटी है डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने की। और कितनी लायबिलिटी होगी? उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना उनको शेयर में प्रॉपर्टी दी गई है। तो जितना उनका शेयर, अगर आधा शेयर है तो उसी हिसाब से वो मेंटेन करेंगे, कम शेयर है तो कम मेंटेन करेंगे। तो उनके ऊपर जिनके ऊपर प्रॉपर्टी गई है मल्टीपल पर्सन से, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर ड्यूटी है, एक ही पर्सन पूरा मेंटेन करेगा सारे डिपेंडेंट्स को। मल्टीपल पर्सन को प्रॉपर्टी मिली है तो वो उन सब मल्टीपल पर्सन के ऊपर ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे डिपेंडेंट्स को। नेक्स्ट में कहा गया कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होगा अकॉर्डिंग टू द शेयर। कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा डिपेंडेंट्स को? उतना मेंटेनेंस दिया जाएगा जितना एयर्स का इंटरेस्ट या शेयर था प्रॉपर्टी में। अगर आधी प्रॉपर्टी एक पर्सन को मिली आधी दूसरी प्रॉपर्टी मिली, इक्वल रेशियो में दोनों को प्रॉपर्टी मिली, एक पर्सन था एच और उसकी डेथ के बाद एस वन को आधी आधी प्रॉपर्टी इनकी मिल गई, तो ये लोग कितने मेंटेन करेंगे? आधा आधा शेयर ये लोग अपने इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके डिपेंडेंट्स को, एच के डिपेंडेंट्स को देंगे। और लास्ट है, डिपेंडेंट्स गेट एनी शेयर दे वोंट बी लायबल टू मेंटेन अदर डिपेंडेंट्स। लास्ट में कहा गया है कि अगर जो डिपेंडेंट्स है डिसीज्ड के उनको कोई शेयर मिला है, पहले तो हम लोग देखा कि अगर उनको कोई शेयर नहीं मिला है, कोई शेयर नहीं मिला है तो बाकी लोग उनको मेंटेन करेंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी गई वो लोग उनको मेंटेन करते रहेंगे। और अगर इनको डिपेंडेंट्स को शेयर मिला है आखिरी में, अगर पहले तो देख लिया नहीं शेयर मिला था, बट अगर मिला है उनको शेयर, तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट्स को दूसरे डिपेंडेंट्स को मेंटेन करना पड़े। उनके पास शेयर है वो अपने शेयर से अपना पालन पोषण करेंगे, अपने आप को मेंटेन करते रहेंगे। उनके ऊपर ड्यूटी नहीं करी गई है कि दे वोंट बी लायबल टू मेंटेन अदर डिपेंडेंट्स। तो ये हो गया सेक्शन 22। तो ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा और थोड़ा समझ के अलग अलग पॉइंट्स पे लिखना आसान रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस और डिपेंडेंस, और हम लोगों ने डिपेंडेंस तक देख लिया, कौन डिपेंडेंस होते हैं, कितना उनको कौन मेंटेन करेगा, कितनी प्रॉपर्टी पे मेंटेन किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग ने चैप्टर 3 स्टार्ट करा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट को, और कवर करा सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 22 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 23 से 28 तक, या फिर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।